अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ, होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आए मेरे साथ पिछले कुछ दिनों की रूटीन को इंजॉय करें। हर इंसान पर ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि वो अपनी रूटीन लाइफ से, रूटीन वर्क से फेड अप हो जाता है और अपने काम से ब्रेक लेने को जी चाहता है। बस ऐसा ही कुछ आजकल मैं भी फेस कर रही थी। कैमरा उठाने को बिल्कुल दिल नहीं करता था, कई दफ़ा उठाया भी कि चलें शूट करना शुरू करती हूँ, लेकिन फेड अप होकर उसे छोड़ देती थी कि अभी एडिटिंग का बिल्कुल मूड नहीं है। जिनके पास तो ऑप्शन नहीं होती कि भाई काम करना ही करना है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि अल्लाह पाक उन पर ऐसा दौर कभी भी ना आने दे। लेकिन जिनके पास ऑप्शन होती है मेरी तरह, वो थोड़ा सा गैप लेके दोबारा से फ्रेश होकर अपना काम शुरू कर देते हैं, जैसा कि मैंने किया और संडे से स्टार्ट लिया। ओह ये क्लिप्स, हाँ तो ये आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे पास मौजूद लास्ट वीक का सिंगल क्लिप। मानो जिस स्कूल में 3 डेज के लिए विजिटिंग टीचर के तौर पर जाती है, वहाँ पर बच्चों का फेयरवेल था, बच्चों ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दी, ये वो हैं और साथ में केक कटिंग सेरेमनी हुई, हमने इंजॉय किया, आप भी इंजॉय करें। जी तो आज हो गया संडे, मैं और औरंगजेब ही घर हैं, बच्चे एकेडमी गए हुए हैं। मैंने बताया था कि एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उनके लिए फिर एकेडमी संडे को भी ऑन होती है। अब हम करने लगे हैं अपना नाश्ता, उसके लिए पहले बनाएंगे चाय। देखते हैं पहले सुई गैस आ रही है कि नहीं आ रही। जी तो गैस तो इतनी आ रही है। ओहो जग में पानी नहीं है, पानी लेके आते हैं। और जी वॉशिंग हो चुकी है, कपड़े फैलाने वाले रहते हैं क्योंकि ये जो पहले फैले हुए हैं, पहले ये उतारूंगी, इनको फोल्ड करूंगी, फिर ये वाले फैलाऊंगी और ये सब काम करूंगी ब्रेकफास्ट के बाद। चाय सबकी ही बनेगी, बच्चे आके चाय पियेंगे, नाश्ता वहीं से अकेडमी से करते हैं। चाय बन गई है, औरंगजेब नाश्ता लेने के लिए गए हैं, तो चलें तब तक बिस्तर समेट लेती हूँ, दस्तरखान बिछा देती हूँ। लास्ट संडे रूटीन में मैंने बताया था कि औरंगजेब ब्रेकफास्ट में चने पसंद नहीं करते, इसीलिए वो अपने और मेरे लिए पाए का सालन लेके आए, हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद घर के काम वाम समेटे। जी तो यहाँ पर मैं रेडी हुई हूँ, भाई आगे हैं माशाल्लाह, रात के उमरा करके वापस उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, तो वहाँ चल के आपको मिलवाते हैं सबसे। संडे वेदर की अगर बात करें तो उस दिन सूरज नहीं निकला था, ठंडी हवा चल रही थी, हल्के फुल्के गर्म कपड़े अभी सब पहने रहे ताकि वेदर चेंजिंग इफेक्ट से बचे रहें। वहाँ पहुँचकर हम छोटी भाभी से, बच्चों से, आपी जान से, बड़े अबू से मिले। भाई सो रहे थे, उनका नाइट ट्रैवल था, घर पहुँच के सारे काम वाम निपटा के काफ़ी लेट सोए थे, तो मैंने बोला उन्हें आराम करने दे, जब उठेंगे तो हम मिल लेंगे। ये खूबसूरत सा ग्लास आपी जान ने मुझे तोहफे में दिया, फिर हम बातें करने लगे। बड़ी भाभी ने खाना गा दिया, मटर पुलाव, आलू के कबाब, दही फुल्की, बहुत मज़े के बने हुए थे, हमने मज़े से खाना एंजॉय किया। फिर खाने के बाद छोटी भाभी गर्मा गर्म गाजर के हलवे के साथ कश्मीरी चाय बना के ले आई, बहुत मज़े का था। अल्लाह पाक मेरी भाभियों के हाथ सलामत रखे, मेरे भाइयों के रिस्क और कारोबार में, उनके दस्तरखानों में बहुत खैर बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। फिर भाई आगे मुझसे औरंगजेब से मिले, हमने बैठ के बहुत सारी बातें की, उतने में मानो कि घर से कॉल आ गई कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो फिर हमें मजबूरन वापस आना पड़ा। और भाई अलबेक लेके आए थे बच्चों के लिए, पैक करके मुझे भी दिया, घर आके हमने नेक्स्ट डे अलबेक भी इंजॉय किया। घर में कौन आया था और हमारा मेहमानों के साथ कैसा टाइम गुजरा, ये सब हम आपसे अगले व्लॉग में शेयर करेंगे क्योंकि इस व्लॉग का टाइम पूरा हुआ चाहता है। दैट मीन्स नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होगा संडे रूटीन से ही। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, बहुत सारी दुआएँ और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।